बायोब्लास्ट में आपका स्वागत है। पहला लेक्चर हमने इकोसिस्टम के अंदर इकोसिस्टम के बारे में ही समझा था, जिसमें हमने इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में समझा था, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम को समझा था, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, और नेचुरल में भी या आर्टिफिशियल में भी हमने एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को समझा था, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से हमने इकोसिस्टम क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, और उसके सारे कंपोनेंट को समझा था बेसिकली, है। बेसिक कंपोनेंट क्या है इकोसिस्टम के, इकोसिस्टम के बेसिक कंपोनेंट क्या है, एक एबायोटिक है और दूसरा बायोटिक, और इसी के अंदर में सब कुछ आता है। क्लियर है कि नहीं? ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो प्रोडक्टिविटी क्या है, इसका फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हमको डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन मेंशन किया हुआ है, हमको इन्हीं के अंदर में चीज़ों को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। क्यों? क्योंकि नीट में यहीं से क्वेश्चन उठेगा, इवन आपके बोर्ड एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन उठेगा। क्लियर है कि नहीं? स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में, बिल्कुल क्लियरली आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इकोसिस्टम का जो फंक्शन होता है, ठीक है, उसको अगर हम देखेंगे तो कई पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, उसके अलावा डिकम्पोजिशन का फंक्शन है। प्रोडक्टिविटी में बेसिकली जो है, जो फूड बन रहा है किसी भी जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा, तो वो कितने टाइम में कितना बन रहा है, ठीक है। डिफरेंट इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्या है, यहाँ पे हमको डिफरेंट इकोसिस्टम का कंपेरिजन नहीं करना है। फिर भी एनर्जी फ्लो, ट्रॉफिक लेवल का कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले क्लास में बताया था, मतलब जो पॉपुलेशन वाला क्लास है, कि नीचे से ऊपर तक ऐसे क्या जा रहा है, एनर्जी जा रही है, ठीक है। नीचे के ट्रॉफिक लेवल से ऊपर के ट्रॉफिक लेवल तक क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, यही है एनर्जी फ्लो, ठीक है। और उसके अलावा न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, प्लांट कोई ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो वो सॉयल से क्या ले रहा है, सॉयल से न्यूट्रिएंट ले रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं? नहीं, ग्रो किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, इसका डेथ हुआ। भाई हम लोग भी मरते हैं ना, तो कहते हैं ना कि जब हम मरते हैं तो हमारा शरीर जो है पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, ठीक है। पंच तत्व, ये पंच तत्व क्या है, वही एबायोटिक फैक्टर हैं, ठीक है, समझ रहे कि नहीं? तो पंच तत्व में विलीन हो जाता है, तो ये तो हमारा कल्चरल और माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट वैसे है, लेकिन इसमें है रियल में वही। तो जो पंच तत्व की बात करता है, तो एलिमेंट जो होते हैं कहाँ आ जाते हैं, फिर से वो डिकम आ जाते हैं कहाँ, सॉयल में ही। सॉयल में क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, मतलब उनका ब्रेकडाउन होगा, फिर उसको माइक्रोब्स काम करेंगे, फिर डिकम्पोज करेंगे, उसके बाद मिनरल का रिलीज होगा, फिर से मिनरल किस में अवेलेबल रहेगा, सॉयल में, और फिर से प्लांट जब ग्रो करेगा तो अपटेक कर लेगा। ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है। हमको न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स की जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है उसको नहीं पढ़ना है। तो चलते हैं पहले पहले पे, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है, समझ रहे कि नहीं? प्रोडक्टिविटी क्या होती है, अभी इसमें ये वाला जो पैराग्राफ है आपको पढ़ाने की ज़रूरत है क्या? मुझे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। इसमें लाइन में कुछ अगर भाई नया मिल जाए तो, नहीं तो आप कहेंगे छोड़ दिए सर। हम छोड़ेंगे नहीं, हम बताएंगे आपको, टेंशन ना लीजिए, पढ़ देते हैं आपके लिए। टू अंडरस्टैंड द इथॉस ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, लेट अस टेक अ स्मॉल पॉन्ड एज एन एग्जाम्पल। ये देखिए, हमने पहले ही पिछली क्लास में समझा दिया था, फिर भी हम एक पॉन्ड के एग्जाम्पल के थ्रू, इन्होंने बताया है कि इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो पॉन्ड एक ले लिया, पॉन्ड का एग्जाम्पल, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। इन जनरल पॉन्ड जो होता है, इन जनरल आर्टिफिशियल ही है, नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन नेचुरल प्लेस पे, नेचुरल जगह तरीके से वो बिल्डअप है तो ठीक है। दिस इज़ फेयरली अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट, कोई भी इकोसिस्टम नॉर्मली जो होता है सेल्फ सस्टेनेबल होता है, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, वो थोड़ा सा पानी का इशू हो गया था, और पानी नहीं आ रहा है एक्चुअली में, गर्मी की वजह से। कोई नहीं, हम पढ़ रहे थे अपने प्रोडक्टिविटी, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी के बारे में, और यहाँ पे मैं बता रहा था पॉन्ड का एग्जाम्पल एक इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। तो पॉन्ड एक जो है ना एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ठीक है, और बेसिकली हम पॉन्ड को आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में रखते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम नॉर्मली, क्योंकि पॉन्ड ऑब्वियस ही बात है छोटा, हम खुद क्रिएट करते हैं मछली पालन के लिए एक्वेरियम, बड़ा एक वो बनाते हैं ना, छोटा पॉन्ड ऐसे बना देते हैं, गड्ढा गाँव में खूब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम जो होता है ना सेल्फ सस्टेन होता है। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब क्या है, इसमें प्रोड्यूसर्स भी होंगे, ठीक है, और कंज्यूमर्स भी होंगे, ठीक है, और इसमें क्या होंगे, डिकम्पोजर्स भी होंगे।
समझ रहे ना, प्रोड्यूसर्स का मतलब जो प्लांट्स होते हैं, आप देखेंगे आपको तालाब में प्लांट्स दिखेंगे। कंज्यूमर्स जो होते हैं, मतलब जो इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो कंज्यूमर्स में भी अलग अलग हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, सब लेवल के आपको मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे बॉटम स्टेटा होता है यूजुअली, वहाँ पे क्या होता है, डिकम्पोजर्स होते हैं, जिसमें क्या आते हैं, माइक्रोब्स आता है, जिसमें बैक्टीरिया आएगा बेसिकली एंड फंजाई आएंगी। इसके अलावा कुछ और भी इंसेक्ट्स होते हैं जो ब्रेक डाउन का काम करते हैं, ठीक है। तो यही है पूरा पॉन्ड इकोसिस्टम। यहाँ पे मैं इमेज नहीं ला पाया था एक्चुअली, मुझे ध्यान नहीं था, मुझे लगा कि आप पढ़ लेंगे। खैर आप इमेज देखेंगे ना सर्च पे, आप सर्च करिएगा पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है। पॉन्ड इकोसिस्टम जब आप सर्च करेंगे तो आपको प्रॉपर इमेज एक मिलेगी, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के उसमें कंपोनेंट दिए होंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। फाइटोप्लैंक्टन भी मिलेगा, ठीक है, जू प्लैंक्टन्स में मिलेंगे, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। उसके अलावा कुछ एल्गी भी मिलेंगी, क्लियर है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ क्या क्या लिखा है, उसके बेसिस में मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज होंगे। तो यहाँ में बोला है कि रादर सिंपल एग्जाम्पल दैट एक्सप्लेन इवन द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस। तो ये एक पॉन्ड जो है सेल्फ सस्टेनेबल और बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, जो कि जो मेजर इंटरेक्शंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस होते हैं बायोटिक एंड बायोटिक के बीच में, या बायोटिक एंड बायोटिक के बीच में, वो भी इससे एक्सप्लेन किया जा सकता है। और पॉन्ड इकोसिस्टम इज अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, किसी भी लेवल पे ये पढ़ाया जाता है, इवन ग्रेजुएशन लेवल पे पॉन्ड इकोसिस्टम को डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। और सक्सेशन में जो एक्वेटिक सक्सेशन होता है ना, जिसमें एक्वेटिक बॉडी से टेरेस्ट्रियल जो एरिया है उसमें कन्वर्जन, एक्वेटिक से फॉरेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, तो वो सक्सेशन होता है, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस है तो वो यहाँ पढ़ना नहीं है हमको, और ना ही नेचुरली आप देखने को आपको मिलेगा पूरे तरीके से। सो अ पॉन्ड इज अ शैलो वाटर, शैलो का मतलब छिछला, बहुत गहरा नहीं होता। कुछ कुछ पॉन्ड गहरे होते हैं लेकिन गहराई उतनी ज़्यादा नहीं होती। जैसे अगर आप बड़ी बड़ी लेक्स देखेंगे, जैसे आप डल लेक में चले जाइए, ठीक है, डल लेक एक्चुअली मेरी पसंदीदा लेक है, इसलिए मैं डल लेक नाम बोल देता हूँ। इसके अलावा बहुत सारी लेक हैं, एक रेणुका जी लेक है, आप सर्च करिएगा रेणुका जी लेक, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र में है, ठीक है, जो कि मेटियोराइट से बनी हुई लेक है, आप नाम बताइएगा कौन सी लेक है। हर जगह पे आपको मिलेगा लेक्स, ठीक है। तो शैलो वाटर, इनका जो पॉन्ड होते हैं ये शैलो वाटर होते हैं, शैलो का मतलब छिछला होता है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता है। इन विच ऑल द एबव मेंशनड फोर बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर वेल एक्सप्लेन, जो भी ये है ना, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सब इसमें आएगा। अभी मैंने बता दिया है, ठीक है, अभी समझने बताया है कैसे होता है ये। एबायोटिक कंपोनेंट इज द वाटर, ये पता है सबको, एंड विद द ऑल डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिच सॉयल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। क्या होता है भाई, ऑब्वियस ही बात है, नीचे साइड में क्या होता है, मिट्टी होती है या सॉयल होता है, यही होता है ना, सॉयल, ठीक है, सॉयल, या जिसको सेडिमेंट बोल लीजिए आप। तो इसमें भी क्या होता है, मिट्टी तो है, मिट्टी, तेरी मिट्टी, ठीक है। और उसके अलावा जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मिलेंगे इसमें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मिलेंगे, कहाँ होंगे, इसमें डिजॉल्व रहेंगे, जो वाटर होता है, ठीक है। तो डर्टी वाटर है, प्योर वाटर है, पीने लायक है, ऐसे भी पॉन्ड होते हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे लेक्स, स्पेशली लेक्स की बात करें तो उनका पानी पीने वाला होता है, फ्रेश वाटर लेक्स जो होती हैं। तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें क्या है कंपोनेंट, बहुत ऐसा तो नहीं कि एक्सेस में है। अब हैवी मेटल इसमें अगर पड़ा रहेगा तो आप वो पानी पियेंगे तो नुकसान करेगा, ठीक है। सोलर इनपुट, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ सनलाइट, यहाँ भगवान जी चमक रहे हैं, जैसे आज के गर्मी में है, हमारे यहाँ पानी की दिक्कत हो गई, अब यहाँ से सॉरी 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 यहाँ से सनलाइट ऐसे आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो जो पौधा यहाँ पे ऊपर ग्रो कर रहा है उसको सनलाइट मिलेगा ना, तो डीप इसका जो डेप्थ होता है बहुत कम होता है, तो सनलाइट ऑलमोस्ट यहाँ तक आती है, ठीक है, नीचे तक काफ़ी, समझ रहे कि नहीं। जिनकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है तो सनलाइट पेनिट्रेशन नॉर्मली 100 से 200 मीटर तक जाता है यूजुअली, ओशन हो गया, लेक हो गया, इसमें तो पॉन्ड इतना गहरा तो होता नहीं है। तो इस पे मतलब पॉन्ड में क्या होता है, जो सोलर सोलर लाइट है ये ऑलमोस्ट बॉटम तक पहुंच सकती है, ठीक है। उसके बाद द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ, डे का मतलब दिन छोटा है बड़ा है, एंड दी अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द इंटायर पॉन्ड, मतलब ये जो इसकी फंक्शनिंग है, सारे फैक्टर, चाहे टेम्परेचर हो, लाइट हो, डे लेंथ हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ठीक है, सारे फैक्टर जो है इसमें हेल्प करते हैं, रेगुलेट करते हैं इसकी कंडीशंस को, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हमने पहले पढ़ लिया, ये देखिए वीडियो लेक्चर हो सकता है थोड़ा लंबा ही चला जाए, मैं सोचता था कि छोटा जाएगा। ऑटोट्रॉफिक
कंपोनेंट, ठीक है। अब या तो हम पॉन्ड इकोसिस्टम के ऊपर एक अलग से वीडियो बना देते, पूरा ध्यान ही नहीं आया मुझे, चलिए बना देंगे, तब भी बना देंगे। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट का मतलब जो खाना खुद से बनाते हैं, जिसमें प्लांट्स आएंगे। प्लांट्स की कैटेगरी क्या क्या हो सकती है, देखिए यहाँ पे जैसे फाइटो प्लैंक्टन्स है, ये ध्यान रखिएगा, एंड उसके अलावा सम एल्गी हैं, ठीक है, एंड दी फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स, मतलब कुछ पौधे पानी के अंदर भी रहते हैं और कुछ उस पर फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। एंड फाउंड और मार्जिनल प्लांट मतलब जो पॉन्ड के किनारे किनारे घासेस ग्रासेस होती है ना, घासेस नहीं, घास घास या ग्रासेस, ठीक है, किनारे पे रहती हैं, ये सब क्या है, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट है। मतलब ये क्लोरोफिल होता है इनके शरीर में, मतलब इनकी बॉडी में क्लोरोफिल कंटेंट होता है, जिसकी वजह से ये फूड बनाते हैं, ठीक है। अब इनको खाने वाले कौन से होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जू प्लैंक्टन्स, उसके अलावा क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग, जू प्लैंक्टन्स आर नॉट फ्री स्विमिंग एक्चुअली में, ये क्या करते हैं, ये जू प्लैंक्टन या फाइटो प्लैंक्टन दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, प्लैंक्टन। प्लैंक्टन क्या होते हैं, एक्चुअली में ये खुद से स्विम नहीं करते हैं, दे डू नॉट स्विम एक्टिवली, ठीक है, दे आर पैसिव स्विमर। पैसिव स्विमर का मतलब जैसे धारा बहेगी उसी धारा में उसी के साथ बहेंगे, तो दे आर पैसिव स्विमर, दे आर नॉट एक्टिव स्विमर, ठीक है। तो फ्री स्विमिंग अदर भी होते हैं, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, बॉटम ड्वेलिंग का मतलब जो यहाँ पे रहते हैं नीचे साइड में, ठीक है। डिकम्पोजर्स क्या होंगे, डिकम्पोजर्स मतलब अगर पौधा मरा या जो एनिमल है ये मरा, इंसेक्ट मरे, तो उनको डिकम्पोज करने वाला कोई तो होना चाहिए, जैसे जंगल में कोई चीज़ मरती है आपके आसपास मर जाती है, देखेंगे ना धीरे 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 सड़ता है, तो डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है, बॉडी सड़ के ख़त्म होना, सड़ना, ठीक है, रॉटिंग, ठीक है, इन जनरल। तो रॉटिंग इसलिए होती है क्योंकि डिकम्पोजिशन अगर फास्ट नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी है, तो रॉटिंग होगी, जिसकी वजह से बैड स्मेल आती है, जैसे कभी आसपास कुत्ता मर गया, ठीक है, बैड स्मेल रॉटिंग की वजह से होती है, ठीक है, यूजुअली। तो ये सड़ना है, जंगल में आपको रॉटिंग की स्मेल जल्दी नहीं आती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ना डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट तरीके से होता है, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स में बेसिकली क्या है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, एंड कुछ फ्लैजलेट्स होते हैं, जिनको हम मतलब प्रोटिस्टा प्रोटोजोन की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, माइक्रोब्स हैं, ठीक है, माइक्रोब्स हैं। और ये बॉटम जो पॉन्ड का बॉटम है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं, क्लियर है कि नहीं, ओके। हम पॉन्ड इकोसिस्टम को सेपरेटली भी पढ़ा देंगे, आप उसका टेंशन ना लीजिए, उसमें प्रॉपर इमेज लाऊंगा और उसके बाद सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा, लेकिन ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, तो प्लीज़ डू कीप रिमेम्बर एंड डू स्टडी, क्लियर है। एंड द एबंडेंट ऑन द बॉटम, तो बता दिया क्या है हिसाब किताब इनका, दिस सिस्टम परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ एनी इकोसिस्टम, चाहे वो टेरिस्टियल इकोसिस्टम हो चाहे एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है किसी इकोसिस्टम में, वो सारे फंक्शन आपको पॉन्ड इकोसिस्टम में दिख जाएंगे। इसीलिए पॉन्ड इकोसिस्टम को, इसीलिए हम पॉन्ड इकोसिस्टम को एक टाइप स्टडी के फॉर्म में पढ़ते हैं, टाइप टाइप स्टडी या टाइप इकोसिस्टम। टाइप का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ऐसा टाइप, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना मॉडल इकोसिस्टम, तो इट्स मॉडल इकोसिस्टम, जहाँ पे हम क्या है सारे फंक्शन को समझ लेंगे। हमको एक फंक्शन को समझाने के लिए बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स अमेजन रेन फॉरेस्ट को नहीं देखना पड़ेगा, हमको ओशन को नहीं देखना पड़ेगा, हम एक पॉन्ड को देखेंगे, और पॉन्ड आप सभी लोग जानते भी हैं, आपके आसपास पॉन्ड दिख जाएगा, आप गांव से बिलोंग करते तो बहुत ज़्यादा दिखेगा, आप नहाए भी होंगे, जो थोड़ा सा बड़ा तालाब होता है कूद कूद के, हैं, मिट्टी मुंह में चली जाती है, मछली की स्मेल आती है पानी से, छोटी छोटी मछलियाँ भी होती है उसमें, आप देखे हैं, मछली मारते भी हैं लोग, ठीक है। और घर में छोटा पॉन्ड भी बनाते हैं हमें एक्वेटिक इकोसिस्टम दिखाने के लिए, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर सपोज आप ग्रेजुएशन वाले हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटीज़ में जो इन्वायरमेंटल साइंस के जहाँ कोर्सेज होते हैं, बॉटनी का जहाँ पे डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे पॉन्ड इकोसिस्टम भी देखने को रहता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाते समय दिखाया जाता है, ठीक है। ये बता रहा है, देखिए, एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज अ होल, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इंटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाई ऑटोट्रॉप्स एंड कंजम्पशन ऑफ ऑटोट्रॉप बाई हेटरोट्रॉप्स। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स जो खाना बना रहे हैं और इसको जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको हमने हेटरोट्रॉप बोल दिया, ठीक है। और हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो खाना खुद से नहीं बनाते हैं, समझ में आएगा कि नहीं, क्लियर है कि नहीं इतनी चीज़ें, थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर दें, रब कर दें, नहीं तो आप कहेंगे कि कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, आप लोग ब्लेम करने में बिलीव ज़्यादा करते हैं पढ़ने से, पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये लाइन ना ध्यान रखिएगा बस, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ आपको, ठीक है, इसलिए मैंने पढ़ा। और यहाँ पे क्या है, देयर इज एन यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स द हायर ट्रॉफिक लेवल एंड इट्स डिसिपेशन एंड लॉस
एज अ हीट टू द इन्वायरमेंट। अभी इन चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे ना तो आगे आएगा ये कैसे यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ऐसे ही लंबा हो रहा है मुझे लग रहा है। अब आते हैं प्रोडक्टिविटी के ऊपर, जो पहला फंक्शन था प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी का बहुत सिंपल सा मतलब होता है, नॉर्मली अगर आप देखेंगे, अगर किसी भी खेत में आप कोई चीज़ पैदा कर रहे हैं, कोई क्रॉप पैदा कर रहे हैं, मान लीजिए ये 1 हेक्टेयर का खेत है, ठीक है, इसमें आपने वीट पैदा किया, ठीक है, अभी गेहूं कटाई हो रही है, ठीक है, तो वीट पैदा किया आपने। अब 1 हेक्टेयर में मान लीजिए कि आपके खेत में 10 क्विंटल आपने पैदा किया, ठीक है, 1 हेक्टेयर में 10 क्विंटल ये ए ने पैदा किया। मान लीजिए ऐसे ही एक और है 1 हेक्टेयर का खेत, ये बी का है, इसने भी इसमें क्या किया, वीट ही पैदा किया, वीट ही लगाया, लेकिन इसमें क्या हुआ, सेम 1 हेक्टेयर खेत में, ठीक है, बी के इकोसिस्टम में ये ए का है, ये आर्टिफिशियल हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, नेचुरल भी ऐसे ही होता है, हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। इसने क्या किया, यहाँ पे 12 क्विंटल जो है पैदावार हुई सपोज, ठीक है। अब बताइए कि ओवरऑल प्रोडक्शन इसका ज़्यादा है, ठीक है, और ओवरऑल प्रोडक्शन इसका ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इसको देख के आपको लग रहा है कि अच्छा प्रोडक्शन देख के आपने बता दिया कि इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि एरिया सेम है, प्लांट सेम है, ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्शन हो रहा है टोटल वो क्या है, बराबर नहीं है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। लेकिन अगर मान लीजिए, देख के कैसे बताएंगे कि प्रोडक्शन देख के, अभी तो बता दिया, अब दूसरा सिस्टम हम बता रहे हैं, मान लीजिए कि एरिया इसका कितना हो गया, 0.5 हो गया सपोज, 0.5 हेक्टेयर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्शन टोटल, यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन अभी भी क्या है, क्या बोलते हैं, 6 हेक्टेयर, कितना है, 6 क्विंटल का वीट ही प्रोड्यूस हो रहा है, एरिया हमने रिड्यूस कर दिया। अब आप ये देख के बताइए ये टोटल क्या है, प्रोडक्शन है, जब कटाई हुई गेहूं की, ठीक है, वीट की कटाई हुई, तब आपको 6 क्विंटल गेहूं मिला, और यहाँ पे 1 हेक्टेयर एरिया है तो यहाँ पे 10 क्विंटल मिला। तो आप अगर खेत के बारे में आपको नहीं पता होगा तब तो आप ये कह देंगे भैया इसमें ज़्यादा पैदा हुआ, पैदावार, ठीक है, पैदावार जो है कहते हैं ना यहाँ पे ज़्यादा हुई, अगर आपको खेत का नहीं पता है तो। लेकिन अगर खेत का पता है तो आपको पता रहेगा, अच्छा ये तो इसका आधा ही है, तो इसका मतलब पैदावार इसकी डबल हो गई, तो क्या है, टोटल प्रोडक्शन देख के आप तो नहीं बता पा रहे हैं ना, आपको एरिया का पता होना ज़रूरी है। इसीलिए प्रोडक्टिविटी जो होती है किसमें हम निकालते हैं, पर यूनिट एरिया, तो यूनिट सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे यूनिट तो हेक्टेयर ही है लेकिन एरिया ये वाला जो इनका मैग्नीट्यूड है वो अलग है, ठीक है। तो पर यूनिट कोई भी अगर हम चीज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, कैसे बताएंगे कि ज़्यादा कम है, यहाँ पे 1 हेक्टेयर में क्या है, 1/10 आ रहा है, ठीक है, या आप प्रोडक्शन 10/1 करेंगे, पता चल जाएगा, 1/10 नहीं, 10/1 करिए, ठीक है। इधर क्या करेंगे, 6/0.5 निकालिए, इसको कितना आ रहा है प्रोडक्टिविटी, आपको पता चलेगी, यहाँ क्या प्रोडक्टिविटी 10 दिख रही है आपको, यहाँ प्रोडक्टिविटी कितनी दिखेगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो आ गया ना इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन में यही डिफरेंस होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल, टोटल, ठीक है, लेकिन प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर यूनिट। अब ये इमेज आपकी एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन हम दिखा रहे हैं आपको समझाने के लिए। जैसे ओशन जो होता है बहुत बड़ा होता है, अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो ओशन जो होता है बहुत बड़ा होता है, देखिए ओपन ओशन की बात कर रहा है, जैसे पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है, ठीक है, पैसिफिक ओशन, तो इसकी, इसमें जो टोटल प्रोडक्शन होता है, टोटल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ये मत सोचिए कि टोटल प्रोडक्शन कम होता है ओशन का, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं प्रोडक्टिविटी, यहाँ देखिए लिखा है ना नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अभी हम बताएंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, नेट और ग्रॉस क्या होता है ये हम समझाएंगे, लेकिन देख रहे हैं ना ओशन का यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत कम दिया है, स्वाम्प या मार्सी एरिया जो होते हैं, वेटलैंड जो होते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं प्रोडक्टिविटी कितना है। अब वेटलैंड छोटा हो सकता है ना, तो टोटल प्रोडक्शन तो इसका कम ही होगा, मान लीजिए वेटलैंड है और इसका प्रोडक्शन कंपेरेटिवली मान लीजिए एक्स है, एक्स का नंबर हम देते हैं 10 या 10 ले लेते हैं, ठीक है, और ओशन, ओशन में क्या है, यही चीज़ हमको 1000 दिख रही है सेम,
हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, यूनिट सेम है, ठीक है। मान लीजिए यूनिट इसकी वाई है और इसकी भी यूनिट वाई है, ठीक है। तो ये वेटलैंड है या मार्सी एरिया है, तो टोटल प्रोडक्शन तो इसका 10 ही है भाई, कैसे पता चलेगा। और इसमें टोटल प्रोडक्शन 1,000 है, तो इसके बेसिस पे हम बोलेंगे तो हम तो कहेंगे भाई इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है ओशन की बहुत ज़्यादा है। नहीं, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, प्रोडक्शन ज़्यादा है। प्रोडक्टिविटी इसकी ज़्यादा है क्योंकि एरिया इसका बहुत कम है, उतने में 10 निकाल रहा है ना, ओशन का निकालेंगे ना तो प्रोडक्टिविटी पता चला 0.0001 पहुँच जाएगा, और इसका 10 है, तो सोच रहे हैं ना कितना ज़्यादा है। यही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है डायग्राम में कि किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। जब हम एरिया बहुत बड़ा रहेगा तो प्रोडक्शन तो हमको ज़्यादा मिल ही जाएगा ना भाई। आप एक हेक्टेयर से हैं 10 क्विंटल निकाल रहे हैं गेहूं, और कोई 5 हेक्टेयर से क्या है 40 क्विंटल ही पैदा कर रहा है, तब भी आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। समझ रहे हैं कि नहीं, होना क्या चाहिए इसका, अगर 50 क्विंटल होता तब मतलब आपके बराबर होता, तो ये 40 क्विंटल है तो आपके बराबर नहीं है, लेकिन इसके पास खेत ज़्यादा है तो 40 क्विंटल दिखने में ज़्यादा लगेगा। मीनिंग समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब आते हैं हम, मीनिंग समझ में आ गया प्रोडक्टिविटी होता क्या है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी होता क्या है। अब आते हैं हम प्रोडक्शन पे या इसके अदर कैरेक्टरिस्टिक पे कि भाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, नेट क्या होता है, ग्रॉस क्या होता है, इसके ऊपर आएंगे। हमको लग रहा है वीडियो जो है ना बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है, इतना लंबा हम चाहते नहीं थे, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो ये समझ में आ गया ना, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट इकोसिस्टम है, आप ये पॉज करके आप देख सकते हैं इसको कि डिफरेंट इकोसिस्टम है, और ये जो दिया है ना ये प्रोडक्टिविटी को बताया है कि किस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है और किसकी कम है, ठीक है। ये टेरिस्टियल की बात कर रहा है और ये एक्वेटिक की, आप इसको देख के समझ लीजिएगा क्यों है। आपके लिए डिटेल की ज़रूरत नहीं है, ग्रेजुएशन वाले मास्टर वाले पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे है क्यों नहीं है ये पता होना चाहिए आपको। नहीं पता रहे तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मीनिंग पता रहे और क्या है तो अच्छी बात है, ठीक है, समझ रहे नहीं। प्राइमरी प्रोडक्शन या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, मतलब जैसे ये प्लांट है, प्लांट, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है, अगर इसको हमने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया, मान लीजिए प्लांट है और यहाँ से सनलाइट आ रही है, सनलाइट भगवान जी ताक दिए इधर से दे रहे हैं सोलर एनर्जी, ठीक है, ये सन है। अब इसमें फूड बन रहा है, क्या बन रहा है, फूड बन रहा है, ठीक है। तो ये जो टोटल फूड बन रहा है ना डायरेक्टली, यही है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या प्राइमरी प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसर के द्वारा बन रहा है डायरेक्टली, जो ऑटोट्रॉप्स के द्वारा बन रहा है, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स के द्वारा बन रहा है, यही है प्राइमरी प्रोडक्शन। जो पौधे आपको आसपास दिख रहे हैं, सब्जियां जो आप लाते हैं खाने के लिए, पालक वगैरह, वो प्राइमरी प्रोडक्शन है या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। इन्होंने डिफाइन किया है, याद रखिएगा, प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट अमाउंट ऑफ बायोमास, ठीक है, बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड। अरे बायोमास क्या है, जो पौधा देख रहे हैं ना आप, उसमें जो फ्रूट बन रहा है, पत्तियां बन रही है, वो बायोमास है, ठीक है, पर यूनिट एरिया। अब इन्होंने एक्चुअल में क्या किया, प्रोडक्शन बताते समय, लेकिन इन्होंने ऊपर प्राइमरी प्रोडक्शन लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो कितना भी ले लें, 1 साल ले लें, 6 महीना ले लें, 1 महीना ले लें, वो आपके ऊपर है, ठीक है। पीरियड बाई प्लांट्स ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस, लेकिन जो भी लेंगे अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एक्सप्रेस किस में किया जाता है, वेट, ये देखिए ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या हो गया, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, एक तो ये हो गया मेजरमेंट का तरीका, दूसरा क्या है, एनर्जी के फॉर्म में हो गया, ये किसके फॉर्म में है, बायोमास के फॉर्म में, ठीक है, कितना क्विंटल पैदा हुआ जो मैं बता रहा था, कितने एरिया में हुआ ये बता रहा है, ठीक है। एनर्जी के फॉर्म में क्या है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, चलो भैया ये एनर्जी के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब इसमें टाइम लगा दीजिए, पर यूनिट टाइम लगा देंगे, चाहे ईयर का चाहे जिसका, तो इसको हम इन जनरल क्या बोल देते हैं, प्रोडक्टिविटी बोल देते हैं। तो द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, देख रहे हैं ना, रेट, रेट लिखा है, रेट का मतलब हमेशा पर यूनिट टाइम होता है, पर यूनिट टाइम, क्लियर है कि नहीं। तो जैसे ही पर यूनिट टाइम ऐड हो गया तो ये क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया, कि कितने एरिया में कितने टाइम में कितना बायोमास क्रिएट हो रहा है या कितना कैलोरी एनर्जी उसमें स्टोर हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी के लिए यूनिट क्या हो जाएगा, यही ग्राम पर मीटर स्क्वायर,
ठीक है, ये बायोमास था, ये किसके लिए था? प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए, प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। सिमिलरली यहाँ पे लगा देंगे तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। लो भाई, हो गया कहानी। आपको ये यूनिट भी याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब दूसरे किसी भी इकोसिस्टम को कंपेयर करना है तो इसी यूनिट के बेसिस पे जो है ना आप कंपेयर करते हैं, जो अभी यहाँ पे हमने दिया है इसी के बेसिस पे कंपेरिजन होता है। या तो बायोमास के बेसिस पे होगा या तो एनर्जी के बेसिस पे, यही है दोनों। बायोमास के बेसिस पे होगा तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। लो भाई, याद रहेगा। इन्हीं के बेसिस पे हम डिफरेंट इकोसिस्टम को कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि भाई प्राइमरी प्रोडक्शन या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है। और ये जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जो हम अभी हम बता रहे हैं, टोटल टोटल कितना क्रिएट हो रहा है, इसको बोलते हैं ग्रॉस। जैसे आपको सैलरीड अगर पर्सन है या पापा सैलरी पा रहे हैं आपके, तो उनका एक ग्रॉस सैलरी होता है और एक होता है क्या? इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस सैलरी का मतलब टोटल, मान लीजिए टोटल कहते हैं ना, पैकेज हमारा 50 लाख पर एनम, LPA 50 लाख, और इन हैंड कितना मिल रहा है? इन हैंड कितना मिल रहा है? 32 लाख पर एनम, ठीक है, LPA। तो ये 32 और 50 डिफरेंस कितने का आ गया? 18 लाख। तो इसमें कट क्या रहा है? इसमें बहुत जो PF वगैरह होता है, TDS होता है, टैक्स होता है, सब कुछ कट कुट के इतना मिलता है, ठीक है। तो जो ये मिला है ये नेट है, नेट जो हाथ में सैलरी आ रही है ना, इसी को नेट बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पर इकोसिस्टम में देखने को मिलता है, मान लीजिए टोटल प्रोडक्शन एक पौधा है, टोटल उसमें बायोमास एक साल में मान लीजिए कि 1000 किलो का बन रहा है, 1000 किलोग्राम, ठीक है, एक साल में, समझ रहे हैं ना, 1 ईयर में। क्लियर है? समझ रहे हैं कि नहीं? इतना बायोमास एक साल में उसका क्रिएट हो रहा है। अब इसमें से भाई ये रेस्पिरेशन भी करेगा, अपनी चीज़ों के लिए रेस्पिरेशन करेगा ना, बाकी अदर जो इसका जो भी काम होगा, फंक्शनिंग होगा, खुद के लिए भी तो करेगा, जो जैसे वहाँ पर टैक्स देना था और बाकी चीज़ें करनी थी। इन सब में टोटल बायोमास का यूटिलाइजेशन कितना हो जा रहा है? मान लीजिए कि 100 किलो यूटिलाइज हो जा रहा है इसका। हालांकि उसको हम एनर्जी के फॉर्म में कंसिडर करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। बचा कितना? 900 किलो, ठीक है। तो ये जो है 1000 किलो जो होगा ना, ये ग्रॉस होगा। ये क्या होगा? ग्रॉस प्रोडक्शन टोटल, ठीक है। और ये जो होगा ये क्या हो जाएगा? नेट। तो अगर इसको हम प्रोडक्टिविटी लेते हैं तो ये ग्रॉस प्रोडक्टिविटी हो जाएगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी वर्ड हमेशा यूज होगा प्लांट के केस में, ठीक है, प्राइमरी वर्ड हमेशा यूज होगा प्लांट के केस में, या जो ऑटोट्रॉप्स होंगे जो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? खाना बना रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? सो प्रोडक्टिविटी को हम अगर डिवाइड करते हैं, प्रोडक्टिविटी को डिवाइड करते हैं अगर, तो ये बनता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में भी क्या आएगा? ग्रॉस आएगा, ठीक है, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में ग्रॉस नेट आता है, लेकिन हम उसको बोलते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी को डिवाइड कर रहे हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को ही डिवाइड कर रहे हैं ग्रॉस, एंड किस में करेंगे? नेट में करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये क्या हो जाएगा? NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस से नेट पे जब आते हैं हम, तो ग्रॉस से नेट में हम नॉर्मली केवल रेस्पिरेशन लॉस दिखाते हैं, ठीक है, GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP। अदरवाइज रेस्पिरेशन के अलावा हीट लॉस भी होता है, ठीक है, हीट के फॉर्म में भी एनर्जी जो है डिसिपेट होती है। क्लियर है कि नहीं? यही है आपका कहानी पूरा प्रोडक्टिविटी का, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का। सिमिलरली सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जैसे पौधों को खाने वाला हर्बीवोर होगा ना, मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्लांट है भाई, ये पौधा है, और इसको फीड करने के लिए क्या है? गोट आ गई। गोट जो होती है क्या होती है? हर्बीवोर्स होती हैं, हर्बीवोर्स, या इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, और ये क्या है? प्रोड्यूसर। अब ये गोट इसको फीड करेगी, मतलब गोट पौधे को खाएगी, गोट पौधे को खाएगी, तो गोट खाना खा के ही तो बढ़ती है ना। तो भाई पहले इसका मान लीजिए कि वेट जितना था
मान लीजिए कि 2 किलो का था ये, ठीक है। फिर खाते खाते 2 किलो से कितना बढ़ते बढ़ते बढ़ के क्या हो गया, 5 किलो का हो गया, 3 किलो की बढ़ोतरी हुई ना। तो इसका मतलब यहाँ पर भी तो बायोमास बन रहा है ना भाई। हमारा भी शरीर क्या है, पैदा होने के बाद जैसा आज है वैसे ही था क्या? पैदा होने के टाइम पे 3 किलो वजन था मान लीजिए, और अभी कितना है, 30 किलो हो गया। 30 किलो से फिर 60 किलो, ठीक है, 60 से 100 के ऊपर जाने लगे। तो इसका मतलब भाई आप ओवर वेट हैं, ओबेस हैं, आप इलाज करवाइए अपना। इलाज का मतलब आप ध्यान रखिए अपने शरीर का, ठीक है। तो बायोमास ज़्यादा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जो बायोमास क्रिएट हुआ है, तो आप सांस लेते हैं ना, आप काम करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें भी तो एनर्जी जाती है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो गोट ने, गोट क्या है, खुद से खाना नहीं बना रहा है, फिर भी इसका बायोमास क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। हम खाना खुद से नहीं बना रहे हैं, फिर भी हमारा शरीर बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, बायोमास क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से, प्रोड्यूसर्स को खा के। हम डिपेंडेंट किसके ऊपर हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर के ऊपर, ठीक है। इसीलिए हमारी कैटेगरी क्या हो जाती है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर की। जो हर्बीवोर्स होते हैं, स्पेशली स्पेशली हर्बीवोर की हम बात करते हैं, जो डायरेक्ट प्लांट के ऊपर क्या डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्ट, क्या, सेकेंडरी प्रोड्यूसर। वो डायरेक्ट खाना नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो बायोमास क्रिएट करते हैं, सो दैट उनके ऊपर जो कॉर्निवोर्स हैं उनके ऊपर उनकी लाइफ डिपेंडेंट है, ठीक है। अभी पूरी कहानी क्लियर हुई? तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है, मतलब ये नेट जो होता है, ये नेट यही अवेलेबल होता है किसके लिए, जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये किसके लिए अवेलेबल है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स के लिए या प्राइमरी कंज्यूमर्स के लिए, जिसमें हमने अभी एग्जाम्पल दिया गोट का। गोट आएगा, हिरन आएगा, जो भी हर्बीवोर्स होते हैं वो इसमें आएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेटरोट्राफ्स, जो खाना खुद से नहीं बना सकते। तो इसमें हर्बीवोर्स और डिकम्पोजर दोनों आ जाएंगे, ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई दी कंज्यूमर्स। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्राइमरी के केस में यहाँ प्रोड्यूसर्स था, और सेकेंडरी के केस में क्या हो गया, कंज्यूमर्स हो गया। क्लियर है कि नहीं भाई? यहाँ पे क्या था, प्राइमरी के लिए था ना कि कंज्यू जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, प्रोड्यूसर करेगा। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ये ग्रॉस हो गया। अब इसी का जो अमाउंट है, कुछ रेस्पिरेशन में लॉस होता है या हीट के फॉर्म में लॉस होता है, तो उसको हमने यहाँ से माइनस कर दिया, ठीक है। हो गया कहानी क्लियर? ओके। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीसीज, ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, हमने भी पेपर में बनाया हुआ था। मतलब ये हमने जो इकोसिस्टम यहाँ पे दिखाया है ना, इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट में, टेम्परेट में, सब में प्लांट स्पीसीज भी अलग अलग होती हैं, ठीक है। प्लांट स्पीसीज का कंपोजिशन जो है ना अलग होता है, क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब प्लांट स्पीसीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, या नेट प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली क्या होगा, ग्रॉस प्रोडक्शन टोटल क्या होगा, किसके ऊपर भी डिपेंड करता है, प्लांट के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके अलावा और भी जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जितने भी फैक्टर्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होंगे, सबके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब लाइट मिल रही है कि नहीं, न्यूट्रिएंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं, अदर मतलब वहाँ पे कंपटीशन किस लेवल पे चल रहा है, सारी चीज़ें, जितने भी फैक्टर्स होंगे ना, ये बायोटिक बायोटिक सब डिपेंड करेंगे कि भैया इसका में ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन क्या हो रहा है और नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या हो रहा है, क्लियर है कि नहीं। सो प्लांट स्पीसीज के ऊपर भी डिपेंड करता है पर्टिकुलर एरिया में, इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसमें बेसिकली आपका न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी आएगी एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। इसीलिए बोले डिफरेंट इकोसिस्टम के लिए जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। देयर फॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ पे हमने जो दिखाया है, ये डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम है, और यहाँ पे सारे की प्रोडक्टिविटी लगभग अलग अलग है, क्लियर है कि नहीं। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी द ऑफ द होल बायोस्फियर इज अप्रॉक्सिमेटली 170 बिलियन टन्स, दैट इज ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। ये आपको लाइन याद रखनी है कि पूरे अगर हम बायोस्फीयर की बात करते हैं, तो बायोस्फीयर का जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ग्रॉस की बात नहीं कर रहे हैं हम, नेट की बात कर रहे हैं, ये कितना है, अप्रॉक्स 170 बिलियन टन्स है, ये ड्राई वेट है। और ड्राई वेट क्यों चूज करते हैं, ठीक है, ड्राई वेट इसलिए चूज करते हैं क्योंकि फ्रेश वेट में वाटर जो कंटेंट होता है ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है। तो वाटर
उसमें भरा पड़ा है। तो जैसे वाटर मेलन हमने ले लिया, ठीक है, वाटर मेलन, और मान लीजिए हम मैंगो ले लिया, या हमने अमरूद ले लिया, गुआवा, ठीक है, गुजावा या गुआवा। तो ऑब्वियस सी बात है पानी इसमें ज़्यादा है ना, 90% पानी इसमें है, इधर पानी का अमाउंट कम है। तो इसको तौलेंगे फ्रेशली तो ये ज़्यादा वेट बताएगा, इसको फ्रेशली तौलेंगे तो ये कम, कंपेरेटिवली कम होगा, लेकिन जब सुखा देंगे तब पता चलेगा रियल में कि ड्राई वेट कितना हमको रियल में बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम किसी भी प्रोडक्ट, जब प्रोडक्टिविटी मेजर करते हैं ना बायोमास के टर्म्स में, तो हम ड्राई वेट को कंसिडर करते हैं, ठीक है, सो दैट फ्लक्चुएशन मिनिमल हो। डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सर्फेस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन आर ओनली 55 बिलियन टन्स। ये देख रहे हैं, देख रहे हैं नहीं भाई, ये एक्चुअली में प्रोडक्शन ही बता रहा है टोटल, लेकिन ये देखिए बोल रहा है कि 70%, 1/3 है ना, और अराउंड 70% जो है पानी, मतलब सरफेस जो है ओशन से घिरा हुआ है, समुंदर से घिरा हुआ है, फिर भी इसका कम ही है, समझ रहे हैं ना। रेस्ट ऑफ कोर्स ऑन इज ऑन द लैंड, तो प्रोडक्टिविटी सबसे कम हमने ओशन की दिखाई थी। डिस्कस द मेन रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशन विद योर टीचर। क्यों है लो प्रोडक्टिविटी? क्यों? ऑब्वियस सी बात है, जो ओपन सी होता है ना भाई, ओपन सी अगर हम बात करें तो ओपन सी के किनारे किनारे ही आपको आपको प्लांट दिखेंगे, ठीक है, ये किनारे किनारे हैं, किसी रीजन में ही एल्गी दिखेंगी या प्लांट दिखेंगे, जो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, पूरे ओशन में आपको नहीं दिखते हैं। तो पूरा ओशन खाली है, ठीक है, पूरा ओशन खाली है। और दूसरा बात क्या है कि ओशन के बॉटम में जैसे एल्गी मिलती हैं, रेड एल्गी एंड आपका क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी, लेकिन यहाँ पे लाइट का पेनिट्रेशन कितना दूर तक जाएगा बताइए? 200 मीटर मैक्सिमम, अप टू 200 मीटर। क्लियर है कि नहीं? तो क्यों है इसके बारे में आप भी समझिए, और हम आपको अगर डिटेल जानना होगा तो फिर से बताएंगे, हालांकि नेसेसरी नहीं है इसकी इन्फॉर्मेशन, क्लियर है? तो हमने पूरा डिटेल में, मतलब इससे डिटेल हम नहीं बता सकते हैं शायद, और बताएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, अभी फिलहाल आपको कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा, यही आपको ज़्यादा लग रहा होगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया है, एनसीईआरटी की लाइन भी क्लियर हो गई है, हमने उसके अलावा भी बता दिया है, क्वेश्चन भी बता दिया है, क्योंकि इसका एरिया लार्ज होता है समुंदर का, और बीच में आपको प्लांट नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं, ये किनारे किनारे एरिया होता है, तो एरिया बहुत कम कवर करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए, और लाइट का पेनिट्रेशन भी बहुत डीप नहीं जाता है। तो ये मत सोचिए कि मतलब पानी लाइट जा रही तो घुस जाएगा। तो जो फोटिक जोन्स होते हैं बस उसी रीजन में क्या होता है, ठीक है, उसी रीजन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटिक जोन का मतलब जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट कर पाती है, क्लियर है? चलिए अगली क्लास में मिलते हैं डिकम्पोजिशन के साथ। डिकम्पोजिशन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ये इस लेक्चर में हमने पूरा इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम भी समझा, प्रोडक्टिविटी भी समझी, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।